उत्तराखंड की, जहां चाईबासा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल चक्रधरपुर अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में पड़ने वाले कराईकेला थाना क्षेत्र के धातकीडी में पीएलएफआई नक्सली लेवी वसूलने आए थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और चाईबासा पुलिस ने घेराबंदी कर दी, जिसके फलस्वरूप नक्सलियों ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 3 पीएलएफआई नक्सलियों को अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि झारखंड में लगातार पीएलएफआई नक्सली उग्र हो रहे थे और उनकी गतिविधियों को देखकर चाईबासा पुलिस और झारखंड पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद अपने सर्च अभियान उन्होंने तेज कर दिया जंगलों में, जिसके बाद पुलिस को 3 पीएलएफआई नक्सलियों को पकड़ने में कामयाबी हाथ लगी। हालांकि पुलिस उसे पूछताछ कर रही है और भी नए खुलासे सामने आने बाकी हैं और इन नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। आपको यह बता दें कि चाईबासा में लगातार गतिविधियां जो नक्सलियों की थी लगातार बढ़ रही थी। इन लोगों ने यहां लेवी वसूलने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद इसकी भनक पुलिस को लग गई और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां पर घेराबंदी की, जिसको देखते हुए नक्सलियों ने पुलिस को देखते हुए फायरिंग करनी शुरू कर दी और भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल की ओर भागता देख पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 पीएलएफआई नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि तीनों पीएलएफआई नक्सलियों से फिलहाल पूछताछ जारी है और पुलिस यह उम्मीद कर रही है कि इन नक्सलियों के पास से और भी खुलासे हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चाईबासा संवाददाता संतोष हैं फोन लाइन पर। संतोष, और कुछ क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? क्षमता है इसका जी, और ये कच्चे रास्ते पर ही लगाया गया था, पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था ये जी, क्योंकि इसलिए कि वो हर जंगल में जो है चाईबासा पुलिस सीआरपीएफ के संयुक्त जो है नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है और इसी अभियान को विफल करने के लिए नक्सलियों का ये मंसूबा था कि आईडी बम लगा करके पुलिस को नुकसान पहुंचाया जाए। संतोष, 3 पीएलएफआई नक्सली पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो पुलिस इनकी गिरफ्तारी को कितना महत्वपूर्ण मान रही है? क्या कुछ खुलासे अभी तक हुए हैं पूछताछ के बाद? इसमें जो है खुलासे हुई है, उसमें वो जो है एक नहर निर्माण कर्ता से जो है लेवी वसूलने के लिए आया हुआ था। जी संतोष, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि नक्सलियों की गिरफ्तारी से चाईबासा पुलिस काफी इसकी बड़ी सफलता मान रही है और पूछताछ के बाद कुछ खुलासे भी हो सकते हैं, जिसकी उम्मीद चाईबासा पुलिस कर रही है।